tanana, tanana dere no, tom tanana, tanana dere na tadare. विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर और मनीषा जैन का नमस्कार। जयंत जी जी, गर्मियों का मौसम है और सूर्य अपनी प्रखर और अपने तेजस्वी रूप में है, ऐसे में न जाने क्यों ऐसा लगता है कहीं से यादों की बदलियां उमड़ घुमड़ आए तो शायद थोड़ी सी राहत मिले। क्या बात कही आपने मनीषा जी, स्मृतियों के बादल जब आते हैं तो बादलों का आगमन बारिश हो ना हो छाया तो लेकर के आता है। जी हाँ, और इस छाया में जो ठंडक मिलने वाली है उस ठंडक से जिनकी याद हमें आएगी उसकी झलक इस गीत से थोड़ी सी मिलेगी। हमें लगता है हमारे श्रोता जरूर इस बात का अंदाजा लगाएंगे कि आज की विविधा में हम किन कलाकारों का स्मरण कर रहे हैं। मेला फिल्म के इस गीत की झलक से तो बहुत से हमारे सुधी श्रोताओं ने जान लिया है, पहचान लिया है बात किसकी होने वाली है। फिल्म जगत के महान संगीतकार नौशाद अली साहब का स्मृति दिवस है 5 मई। तो श्रोताओं, आज आप समझ गए कि विविधा बहुत ही सुरीली होने वाली है क्योंकि नाम ही सबसे पहले जो है वो महान संगीतकार नौशाद साहब का है और उनकी एक रिकॉर्डिंग हमारे श्रोताओं को हम आज सुनवाने वाले हैं। जयंत जी जी, मनीषा जी, नौशाद अली साहब के बारे में अपने श्रोताओं को, बहुत से श्रोता जानते भी होंगे हमारे कार्यक्रमों के जरिए, ये जानकारी कई बार हमने उन्हें दी है। जी जी जी, आज फिर उसे दोहराते हैं कि लखनऊ में उनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1919 को। जी हाँ, अब लखनऊ शहर के बारे में क्या कहें, तहजीब का शहर है जी, और उस शहर में जिनका जन्म हुआ हो, लालन पालन हुआ हो, उस शख्सियत के बारे में क्या कहे कि वो तहजीब तो उनमें अपने आप ही उतर आती है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और नौशाद अली साहब के बारे में एक बात तो सभी जो सिने संगीत प्रेमी हैं और जिन्हें शास्त्रीय संगीत में भी बहुत रुचि है वो जानते हैं कि शास्त्रीय संगीत का बहुत सुंदर प्रयोग राग रागिनियों का नौशाद साहब ने अपने संगीत में किया। इसके अलावा लोक गीतों का भी बहुत सुंदर प्रयोग, अच्छी तरह से प्रयोग उन्होंने किया। जी 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 जी। और इसके अलावा नौशाद साहब के बारे में और भी कुछ जानकारी जयंत जी जी, बचपन में बताया जाता है कि वो अपने लखनऊ के पास बाराबंकी जो शहर है वहाँ कव्वालियों के कार्यक्रम हुआ करते थे, तो वो जो भी संगीत के जलसे होते थे उसमें ये एक श्रोता के रूप में शरीक हुआ करते थे और बड़े ध्यान से सुनते थे, तो अपने आप जो है उनके संगीत के संस्कार उन पर होते चले। जी हाँ, और नौशाद साहब का ये जो संगीत का प्रेम है ये फिर बाद में हमें पता चलता है जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं और उनकी सुपरहिट फिल्में आनी शुरू हो जाती हैं। उनकी शुरुआत होती है 1940 में, प्रेम नगर फिल्म का नाम था और इस फिल्म से उनके करियर की शुरुआत हुई। हालांकि जो गाने सबसे पहले हिट हुए वो 1944 की फिल्म के गाने थे रतन। जी हाँ, और फिल्म रतन से ही फिल्म इंडस्ट्री को एक जगमगाता हुआ रत्न मिला नौशाद अली। श्रोताओ, नौशाद साहब को पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी भारत सरकार ने सम्मानित किया और हम आज हमारे इस कार्यक्रम में उनकी एक खास रिकॉर्डिंग के कुछ संपादित अंश आपको सुनवा कर सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो आइए उस रिकॉर्डिंग को सुनाया जाए। पहले जयंत जी जी, नौशाद साहब से बातचीत की है फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने शायर और हमारे सेवानिवृत्त उद्घोषक अहमद वसी साहब ने। याद है अब तक वो बचपन का जमाना, याद है अब तक अधूरा सा फसाना याद है। यानि मैं 10 बरस का था तकरीबन, उस वक्त से ये म्यूजिक का, संगीत का, मौसीकी का शौक कैसे पैदा हुआ ये मुझे भी नहीं मालूम।
बहुत से जिनको अताई कहते हैं पेशावर हजरात, वो अताई का मतलब समझते हैं कि न जानने वाला या कूढ़, एक जबान में कहा जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ अताई का मतलब ये कि जो खुदा की तरफ से अता हुई हो चीज। तो मेरे घर में माहौल जो था वो सब सूफी कस्म के हजरात थे, हमारे वालिद, दादा और दादी, नानी, सब इन्हें वो पुराने ख्यालात के, जिसको मैं अच्छा समझता हूँ पुराने ख्यालात, क्योंकि पुरानी राहों से नई राहें फूटती हैं, तो मैं उनकी बातों को आज तक याद रखता हूँ। बहरहाल मेरे घर वाले मुखालिफ थे मौसीकी की तरफ, जो मेरा रुझान था, क्यों था ये मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन एक बात जो काबिल जिक्र है, हाजी बारस अली साहब, बाराबंकी के आगे यूपी में एक जगह है जिसका नाम देवा शरीफ, वहाँ हाजी बारस अली साहब की दरगाह है और हर साल वहाँ कार्तिक के महीने में उर्स होता है और बहुत बड़ा उर्स होता है, 10 दिन का वो उर्स होता है। तो लखनऊ से लोग अपना अपना तंबू, अपनी अपनी कनाते लेके जाया करते थे, वहाँ मैदान में डाल के रहते थे 10 दिन तक, और थिएटर कंपनी भी वहाँ आती थी। तो हम भी मामू के साथ जाया करते थे, तो हम भी छोटे थे, मेरे ख्याल से 10 साल के, तो उनके साथ हम भी जाया करते थे। तो सब मेले में जो फुटपाथ पे दुकानें लगती हैं, उनमें एक बांसुरी वाला आता था, वो बांसुरी बजाया करता था, बेचता था बांसुरी, और वो बांसुरी उसकी हमको इतनी अच्छी लगती थी कि मैं नहीं जानता था कि ये कौन सा राग बजा रहा है, लेकिन हमको बहुत ही अच्छी लगती थी उसकी बांसुरी, और हम फुटपाथ पर जाके उकड़ू बैठे हुए उसकी बांसुरी सुना करते थे। एक नूरानी दाढ़ी थी, पगड़ी बांधे रहता था, काली वास्कोट, शरई पैजामा, उसकी जहां बांसुरी की आवाज में सुनूं वो अपने कनात में से, तंबू में से भागूं मैं, और खाना पीना कुछ सब भूल जाऊं मैं, बैठा हुआ उसके दुकान के सामने फुटपाथ पर सुना करता था। मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे जिया। आज मेरा डोले है मन हो, रह रह के आज मेरा डोले है मन हो, डोले है मन हो, जाने न प्रीत मेरे भोले सजन हो, जाने न प्रीत मेरे भोले सजन, मेरे भोले सजन, कैसे छुपाऊं हाय दिल की लगन, हाय दिल की लगन, कैसे छुपाऊं हाय दिल की लगन, हाय दिल की लगन। मौसम प्यारा ठंडी हवा, दिल मिल जाए वो जादू जगा। मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे जिया। तो साहब दरगाह शरीफ पर बड़े अच्छे अच्छे कव्वाल आते थे, बड़े अच्छे अच्छे गजल के गायक आते थे। एक बाबा नसीर खान आया करते थे, बड़े अच्छे गायक थे वो, और वो खास तौर से गजल गाते थे, और उनकी गजल बड़ी मशहूर थी, जो कि बच्चा बच्चा उसको दोहराता था। छुटे असीर तो बदला हुआ जमाना था, न फूल थे न चमन था न आशियाना था, हमारी कैद कफस को बस एक साल हुआ, यही बाहर के दिन थे यही जमाना था, तुझे मैं बागवा क्या क्या निशान बतलाऊं, यही कहीं पे हमारा भी आशियाना था। इस कसम की वो गजल थी, किसकी कही हुई थी या मुझे आज तक नहीं मालूम, लेकिन बाबा नसीर खान ये गजल ऐसे गाते थे, इस तरह गाते थे कि लोग वाह वाह के नारे लगते थे और झूम झूम जाते थे लोग। बहरहाल वो बांसुरी ऐसी जहन में गूंजी कि वहां से हमको मौसीकी का शौक शुरू हुआ, वहां से मौसीकी की इब्तिदा होती है। धीरे धीरे
कुछ उम्र बढ़ती गई, एक दो साल और गुजरे। अब लखनऊ में एक दुकान थी लाडरूस रोड पर, वो वहाँ म्यूजिकल साज तमाम बनते थे। गुरबत अली साहब थे, उनकी ये दुकान थी, उस्ताद गुरबत अली साहब, और उनके वहाँ पियानो, हारमोनियम, सितार, तबला, हर कस्म के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उनके वहाँ बिकते थे, और उनका एक कारखाना था, वहाँ बनते भी थे। हम जाके उनके साजों को देखा करते थे खड़े हुए घंटों। तो वो एक रोज उस्ताद ने कहा, बेटा इधर आ, तू ये खड़ा होके घंटों क्या देखा करता है। तो उस्ताद से मैंने कहा कि आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ उस्ताद। पता नहीं मुझे कैसे हिम्मत आई। हाँ कहो बेटा, क्या है? तो मैंने कहा, हुजूर अगर आप हुक्म दें तो सुबह आके मैं झाड़ू वाड़ू दे दिया करूं और लोबान लोबान दे दिया करूं यहाँ आके। तो उस्ताद मुझे देख के मुस्कुराए, वहां से, अच्छा बेटा वो घामी के तकिए पर उधर मैं रहता हूँ, तुझे घर मालूम? मैंने कहा, हुजूर मालूम है आपका घर? तो कहने लगा, कल सुबह आ जाओ वहाँ। मैं पहुंच गया साहब, उन्होंने चाबी दे दी दुकान की कि जाओ खोल लो दुकान। और मैं जल्दी जल्दी आके दुकान खोल के झाड़ू वाड़ू साफ सफाई करके लोबान वान दे के और पेटी लेके कुछ प्रैक्टिस करना शुरू कर दूं कि उस्ताद के आने से पहले ये अपना रियाज हो जाए। तो ये चलता रहा सिलसिला। तो एक रोज उस्ताद आ गए, मुझे नहीं मालूम, मैं आंख बंद के पसीने पसीने लगा हुआ हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो आके पीछे बैठे अपनी मसनद पर, उन्होंने किया, अरे मेरी जान निकल गई कि आ गए उस्ताद। मैंने देखा उस्ताद बैठे, मैं मुजरिम की तरह खड़ा हो गया उनके सामने हाथ बांध के। कहने, अच्छा तो आप इसलिए आते थे कि मेरे नए नए साजों का सत्यानाश करें? आप दुकान साफ करना नहीं आते थे, हाथ साफ करने के लिए आते थे? मैंने कहा, उस्ताद गलती हो गई, आज के बाद ये गलती नहीं होगी, माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, माफ तो नहीं करूंगा, मैं सजा दूंगा इसकी। मैंने कहा कि आप जो भी आपका हुक्म हो सर आंखों पर। कहने लगे कि ये कहाँ से सीखा तुमने जो बजा रहे थे अभी? मैंने कहा, हुजूर वो रॉयल सिनेमा मैं जाता हूँ, मैं लड्डन साहब वहाँ बजाते हैं तो उनके पीछे बैठ के सुना करता हूँ, तो वो जो सुना वो इसकी प्रैक्टिस करता था मैं। खैर सजा तो दूंगा साहब, तैयार हो जाइए सजा के लिए। अब मैं, हुजूर माफ कर दीजिए, इसके बाद कभी नहीं छूंगा। नहीं सजा तो दूंगा। तुम्हारे घर में बाजा है क्या? मैंने कहा, जी नहीं। आपकी सजा ये है कि ये हारमोनियम जिस पर आप प्रैक्टिस कर रहे थे, मेरा नया हारमोनियम सत्यानाश कर रहे थे, ये आपको मैं देता हूँ आपकी ये सजा। और प्रैक्टिस किया करो, तुम्हारा हाथ अच्छा, जहन अच्छा है, हैं? और लंदन साहब को मैं एक रोज बुला के उनको सुनवाऊंगा, उनसे सीखा करो। फिर एक रोज उस्ताद ने लंदन साहब को बुलाया, गुरबत अली साहब ने मेरा सामना कराया, कहा ये बच्चा तुम्हारी नकल करता है, लेकिन हूबहू मेरे ख्याल से नकल करता है, सुनो एक दफे इसको। अरे बेटा इधर आ, जरा सुना क्या बजाता था तू? तो मैंने डरते डरते लंदन साहब के सामने सुनाया। तो लंदन साहब ने पीठ ठोकी, शाबाश बेटा, भाई तेरा जहन बहुत अच्छा, तू आया कर वहां। मैंने कहा, जी आता हूँ मैं, चार आने का टिकट लेके। नहीं तुमको टिकट नहीं लेना, टिकट लेने की नहीं जरूरत। तो अब हमको फ्री एंट्री हो गई। अब दोनों शो तक हम वहां ठहरे। अब वालिद को मालूम हुआ कि ये रोज लेट आता है, तो उन्होंने कहा कि देखो कल से अगर तुम 9 बजे के अंदर घर नहीं आए तो कुंजी नहीं खुलेगी, दरवाजा बंद हो जाएगा। तो यूं कहिए कि वालिद को छोड़ के सारे घर वाले जो थे आपके इस वालदा, यकीनन माँ फिर माँ होती है जी। वालिद बहुत सख्त मिजाज थे इस सिलसिले में, और वो हाई कोर्ट का जज था उस जमाने में, ब्रिटिश का टाइम था, तो वो हाई कोर्ट के जज के साथ वो मुंशी थे जी। एक रोज कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि
बेवक्त वालिद साहब आ गए घर में, और वही वक्त था मेरे रियाज का। उस वक्त मैं पकड़ा गया और वालिद साहब कहने लगा, रही ये क्या हो रहा सब घर में, गाना बजाना बजाय रोजा नमाज के, ये कौन लाया ये? तो मैं चुप्पे हाथ बांध के खड़ा हो गया कि मैंने कहा कहाँ से लाए हो? मैंने कहा हुजूर वो उस्ताद गुरबत अली साहब ने मुझे तोहफतन दिया है। ये तोहफा ने किस बात पर दिया? तो मैं क्या खूबी थी किस लिए दिया? मैंने कहा मैं कुछ ये बजा रहा था उनकी दुकान पर, उन्होंने खुश होके मुझे, ये नहीं रहेगा यहाँ ये बाजन, अगर तुम रखना चाहते हो तो तुम्हें भी निकाल दूंगा, लाओ इधर लाओ बाजा, ऊपर लेके उन्होंने फेंक दिया सड़क पर। अब साहब मैं बहुत मायूस हो गया, गुरबत अली साहब की दुकान पर फिर आया मैं, और मैं वहां खड़ा हो गया और अरे बेटा आओ आओ क्या हुआ? तो मैं रोने लगा, अरे बताओ हुआ क्या? तो मैंने उनको वाकया बताया कि ऐसा ऐसा हुआ और हमारे वालिद साहब ने आज बाजा फेंक दिया, मुझे बहुत तकलीफ हुई और मैं आपके पास इसीलिए हाजिर हुआ हूँ कि क्या करूँ। उस्ताद ने दिलासा दिया, कहने लड्डन साहब के पास तो तुम जाते हो वहाँ रॉयल सिनेमा में? मैंने कहा जी हाँ। फिर कहने अच्छा देखो उस्ताद बब्बन साहब एक रहते हैं नवाब बब्बन साहब, बहुत अच्छा क्लासिकल संगीत जानते हैं, मैं उनसे तुम्हारा सामना कराऊंगा। ये अच्छे थे नवाब खानदान के और उनकी कोठी थी राठौर रोड पर, अभी भी है। अच्छा। उन्होंने कहा भाई ये लड़के को बब्बन साहब थोड़ा सबक दो, कुछ सुना बेटा? तो मैंने कुछ डरते डरते सुनाया, उन्होंने भी पीठ ठोकी, शाबाश बेटा तेरा जहन अच्छा है, आना मेरे पास मैं तालीम दूंगा। तो साहब उस्ताद लड्डन साहब बच्चों की तरह मानते थे हमको, अब हम रोज वहां जा रहे हैं और चोरी छुपे सीख रहे हैं और नवाब बब्बन साहब से भी। और एक क्लब था वहाँ नादन महल रोड पर जो एम्यूचर्स का क्लब था, जिसमें हर साल एक ड्रामा स्टेज होता था और उसमें तकरीबन सब वकील लोग शामिल होते थे, तो उसमें हम भी शामिल हो गए। तो वो स्टेज हुआ ड्रामा और मैं उसमें बजा रहा हूँ। अब वो साहब खबर फैल गई, हमारे वालिद साहब को पता लगा। अच्छा उस वक्त उम्र मेरी 16-17 साल की हो गई थी, तो हमारे वालिद साहब ने बुलाया और मुझसे कहा कि देखो आज एक बात का फैसला करो, हमारे मना करने के बावजूद भी तुमने वो शौक छोड़ा नहीं और हमें बाहर से खबर मिली, आज फैसला करो तुम्हें ये म्यूजिक चाहिए या घर चाहिए। हमारी वालदा कहने लगी सुबह बात कर लेना अभी रात है फिर। नहीं नहीं अच्छा, इत्तेफाक से दिवाली की रात थी, दिवाली थी तो हर तरफ चिरागा वगैरह हो रहा था। अब मुझसे कहने अभी फैसला होगा, इसी वक्त होगा, तुमको मौसीकी चाहिए या घर चाहिए? मैंने कहा घर आपको मुबारक। मैं उसी वक्त निकल गया। हमारी माँ अब रोकती रही, अरे नहीं बेटा सुबह चले जा। मैंने कहा नहीं, मैं जिन कपड़ों में था जैसे था वैसे बाहर आ गया। लखनऊ में एक मेरे दोस्त थे आदिल साहब, भी शायर थे, अब्दुल मजीद आदिल, मुझसे बड़े थे लेकिन बड़े मेरे तरफदार और बड़े मेरी हिम्मत अफजाई करते थे। और एक डॉक्टर अब्दुल अलीम नामी थे जो यूनिवर्सिटी में वहां पढ़ते थे लखनऊ के, उनके वो दोस्त थे। और डॉक्टर साहब को अक्सर हॉस्टल में मुझे ले जाए, मजीद साहब मेरा बाजा बाजा सुनवाए उनको। डॉक्टर नामी साहब भी, अब्दुल अलीम नामी उनका नाम था, वो भी बहुत मुझे पीट पीट ठोकते थे, शाबाशी देते थे। मजीद साहब के पास गया कि साहब आज ये वाकया हो गया और मैंने घर छोड़ दिया, क्या करूं? कहने भाई देखो मेरी राय ये है कि आजकल नाचती गाती बोलती फिल्में बनने लगी हैं, तुम बम्बई जाओ। तो मैंने कहा साहब मेरे पास तो कोई पैसा भी नहीं, मैं ऐसे खाली हाथ घर से निकल आया। कह रहे मैं उसका इंतजाम कर देता हूँ। तो मजीद साहब ने हमको एक चिट्ठी लिख के दी, कहने वो नामी साहब थे ना यहाँ पढ़ते थे, वो अभी वहाँ सेंट जेवियर कॉलेज है उसमें पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं, और तुमको तो जानते थे ना बचपन से, तुम सुनाते थे उनको। मैंने कहा जी। तो कहने उनके नाम मैं चिट्ठी लिखता हूँ, तुम उनको जाके मिलना और एड्रेस वगैरह लिख देता हूँ मैं। और मुझे टिकट दिलाया, कुछ पैसे दिए, ट्रेन में बिठा दिया। अब मैं ये जिंदगी में पहला ये घर छोड़ के बम्बई का सफर शुरू हुआ। जयंत जी, जी मंजी, इस इंटरव्यू को पूरा सुनने का बहुत दिल करता है, कभी मौका मिले तो हम जरूर हमारे श्रोताओं को सुनवाएंगे और उनके साथ हम भी सुनेंगे। हम बताना चाहेंगे कि अभी आप ये जो रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, फिल्म इंडस्ट्री के महान संगीतकार नौशाद साहब की ये रिकॉर्डिंग थी। और नौशाद साहब की बात चले, फिल्म मदर इंडिया की याद ना आए, ऐसा भी कभी होता है? ऐसा हो ही नहीं सकता जी। तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की मदर मूवी के नाम से जाने जाने वाली फिल्म मदर इंडिया के एक बहुत ही करुण गीत की याद आती है। हमारे सभी श्रोताओं को वो सीन जरूर याद आता होगा जहां अभिनेत्री नरगिस
एक हल को अपने कंधे पर उठाए हुए हैं और उनके साथ उनके दो राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त साहब के बचपन के रोल करने वाले कलाकारों की तस्वीर है और फिल्म मदर इंडिया को याद करते ही वो पोस्टर आंखों के सामने घूम जाता है जी, और मुझे लगता है इस गीत को सुने और उसके बाद फिर हम एक और बहुत खास रिकॉर्डिंग श्रोताओं को सुनवाते हैं। जी बिल्कुल। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना। मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। हम जिसने दिए इस संजीदा गीत को सुनकर के मनीषा जी, आप जो कह रही थी मदर इंडिया फिल्म का वो सीन तो जैसे जागृत हो उठा जी, फिर जी। से आंखों के सामने तैरने लगा। और इस फिल्म की नायिका नरगिस, जी हाँ, उनकी भी याद ताजा हो गई। श्रोताओं, 3 मई नरगिस जी का स्मृति दिवस है। फातिमा रशीद मूल नाम था नरगिस जी का और उनका जन्म 1 जून 1929 को कोलकाता में हुआ था। 5 वर्ष की उम्र में उन्हें पहली फिल्म मिली थी असल में। अच्छा, बहुत कम उम्र में, बहुत ही छोटी उम्र में इन्होंने अभिनय की शुरुआत की थी और 1935 की उस फिल्म का नाम था तलाशे हक। जी हाँ जैन जी, और 1935 की इस फिल्म जिसका नाम आपने लिया तलाशे हक, इसके बाद नरगिस जी एक प्रोमिनेंट रोल में, एक महत्वपूर्ण रोल में दिखी फिल्म तमन्ना में, जो आई थी 1942 में। और उसके बाद जो अभिनय यात्रा नरगिस जी की शुरू होती है वो 3 दशकों तक चली। जी हाँ, और नरगिस जैसी महान अभिनेत्री फिल्म इंडस्ट्री को मिली। मदर इंडिया का जिक्र तो हम कर ही चुके हैं मनीषा जी, एक और फिल्म है उनके करियर में रात और दिन, जिसके लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से उन्हें सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री के रूप में सम्मानित किया गया था। जी हाँ, और नरगिस जी को पद्मश्री से भी अलंकृत किया गया। श्रोताओं, जो हमारे पास रिकॉर्डिंग है नरगिस जी की वो है जयमाला, और 3 मई चूंकि उनका स्मृति दिवस है उस दिन हमारे श्रोता जरूर इंतजार कर रहे होंगे कि उसी रिकॉर्डिंग का कुछ अंश हम अपने श्रोताओं को जरूर सुनवाएं, क्योंकि बहुत खूबसूरत जयमाला है श्रोताओं। और हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि सबसे पहली जयमाला जो फौजी भाइयों के लिए पेश की थी वो नरगिस जी ने ही की थी। तो श्रोताओं, अब इंतजार किस बात का, आइए सुनते हैं महान अभिनेत्री नरगिस जी की वही जयमाला के कुछ अंश जो हमारे विविध भारती की एक खास संग्रहणीय रिकॉर्डिंग है और जिसे हम बहुत संजो कर रखते हैं। सुनने वालों को मेरा आदाब। रेडियो पर और दूसरे प्रोग्रामों में मैं इतना बोल चुकी हूँ कि अब कुछ कहने के लिए सोचना पड़ता है, और ऐसे मौके पर जब अपनी याददाश्त पर जोर डालती हूँ तो गुज़िश्ता जिंदगी के वाकयात तस्वीर बन बन कर सामने आते हैं और मैं उन तस्वीरों में अपने आप को तलाश करने लगती हूँ, गोया जिंदगी में गुम हो जाती हूँ। और मेरा अकीदा भी यही है कि वो कलाकार कलाकार नहीं जो जिंदगी में खो न जाए, समा न जाए। मैंने अपनी फिल्मी जिंदगी में हमेशा ये कोशिश की है कि मेरा हर रोल बनावटी न मालूम होकर असली मालूम हो। इसकी एक वजह ये भी थी कि मेरी तालीम और तरबियत ऐसे माहौल में हुई जहाँ जिंदगी को जिंदगी की नजर से देखा जाता था। रहा फिल्मी दुनिया से मेरे रिश्ते का सवाल, तो बस यूं समझ लीजिए कि फिल्मों से मेरा रिश्ता पैदाइशी है, यानी उस वक्त से काम कर रही हूं जब मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता था। लेकिन हीरोइन की हैसियत से मेरी पहली फिल्म थी तकदीर, जो महबूब साहब ने बनाई थी। सच तो ये है कि महबूब साहब ने मेरी फिल्मी जिंदगी को शुरू किया और आखिर में मदर इंडिया बनाकर मुझे एक बहुत ही बुलंद मुकाम पर पहुंचा दिया कि अगर मैं अपनी उस बुलंदी पर नाज करूं तो बेजा ना होगा।
मैं महबूब साहब की जितनी भी तारीफ करूं कम होगी। मेरी शोहरत में महबूब साहब की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। मुझे अपनी फिल्मी जिंदगी में इतना मेहनती और समझदार डायरेक्टर कोई दूसरा नहीं मिला। फिल्म तकदीर में जब मैंने पहली बार हीरोइन की हैसियत से काम किया था तब क्या महसूस हुआ था ये तो ठीक से याद नहीं है। हाँ, लेकिन एक वाकया जरूर याद है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मोतीलाल जी इस फिल्म के हीरो थे। वो हर लिहाज से मुझसे बड़े थे और मैं उन्हें हमेशा मोती भैया कहा करती थी। एक दिन एक रोमांटिक सीन की शूटिंग हो रही थी और मैं हर रिहर्सल के बाद कहती थी, क्यों मोती भैया, कैसा हुआ? और वो बिगड़ कर कहते थे, हद तेरा सत्यानाश, सारे रोमांटिक मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। खैर, फिल्म की शूटिंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि मोतीलाल जी बड़े ऊंचे पाए के कलाकार थे, ऐसी बातों का असर उन पर नहीं होता था। हाँ, याद आया, इसी फिल्म में मशहूर आर्टिस्ट नूर मोहम्मद चार्ली ने मेरे बाप का रोल किया था। उनके साथ एक सीन ऐसा था कि वो जेल में बंद हैं और मैं यानी उनकी बेटी उनसे मिलने जाती। ये सीन जरा गमगीन था मगर चार्ली साहब हवालात में कुछ इस अंदाज से टहलते थे कि मुझे बहुत हंसी आ जाती थी। ऐसा कई बार हुआ और तब महबूब साहब झिल्ला गए और एकदम जोर जोर से चिल्लाकर मुझे डांटने लगे, यहाँ तक कि मुझे रोना आ गया। और उसी रोने के दरमियान ही महबूब साहब ने जल्दी जल्दी वो सीन मुझसे मुकम्मल करवाया। इस वक्त महबूब साहब की फिल्मों के बहुत से गाने याद आ रहे हैं लेकिन मैं आपको फिल्म मदर इंडिया का ये गीत सुना रही हूँ। अब सुख आयो रे जीवन में नया लायो रे, तोय है दुख पर दिन बितरे भैया बितरे भैया। गिर के आई छेड़ ले तोरे मन की बिना दिन दिन दुख छाई, छेड़ ले तोरे मन की बिना दिन दिन दुख छाई। गिर के आई हो फिल्म मदर इंडिया के बाद मैंने सिर्फ एक फिल्म में काम किया है और वो फिल्म है दिन और रात, वो भी किसी खास वजह से। दरअसल मेरे भाई अख्तर हुसैन की जिद थी कि मैं ही इस फिल्म में काम करूं क्योंकि इस कहानी में एक ही लड़की के दो किरदार एक साथ चलते हैं। लड़की स्किज़ोफ्रेनिया की मरीज है, ये एक दिमागी बीमारी होती है। उस रोल को करने के लिए मैंने कई माने हुए डॉक्टरों से इस मर्ज की जानकारी हासिल की, हॉस्पिटल में जाकर शॉक ट्रीटमेंट भी देखा। खैर, शॉक देते वक्त जो हालत मरीज की होती है वो एक्टिंग से जाहिर नहीं की जा सकती। बहरहाल मैंने कोशिश की थी हकीकत तक पहुंचने की। मतलब सिर्फ ये है कि एक्टिंग को अगर हम आर्ट समझकर करें तो हमें काफी मेहनत और रियाज करना पड़ता है। ये छोटी छोटी बातें तो होती ही रहेंगी, लीजिए बातों के साथ साथ गीतों का भी मजा लेते चलिए। रात और दिन दिया जले मेरे मन में फिर भी अंधियारा है, रात और दिन दिया जले मेरे मन में फिर भी अंधियारा है, जाने कहाँ है वो साथी, तू जो मिले जीवन उजियारा है, रात और दिन।
पग मन मेरा ठोकर खाए, चांद सूरज भीरा न दिखाए, पग पग मन मेरा ठोकर खाए, चांद सूरज भीरा न दिखाए, ऐसा उजाला कोई मन में समाए, जिससे पिया का दर्शन मिल जाए, रात और दिन दिया जले मेरे मन में फिर भी अंधियारा है, जाने कहाँ है वो साथी तू जो मिले जीवन उजियारा है, रात और दिन। मैं ऐसा मानती हूँ कि ये जिंदगी एक सफर है और इस लंबे सफर को तय करने के लिए एक साथी का होना बहुत जरूरी है। बस यूँ समझ लीजिए कि मुझे इस सफर के एक मोड़ पर किसी से मिलने का इत्तेफाक हुआ और वही मेरा साथी बन गया। सुनील के बारे में बहुत कुछ कहना तो मुनासिब नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि काम के आगे सुनील को किसी बात की परवाह नहीं रहती। वो जिस काम को शुरू करते हैं उसको भूत की तरह चिपक जाते हैं। उनमें ये आदत महबूब साहब की सी है, न सेहत का ख्याल न घर की फिक्र, बस 24 घंटे काम काम और काम। जिन दिनों हम लोग मुझे जीने दो फिल्म की शूटिंग चंबल घाटी में कर रहे थे, कुछ खतरों का सामना भी हुआ। एक दिन तो ऐसा हुआ कि हम लोग कुछ फायरिंग सीन एक घाटी में पिक्चराइज कर रहे थे, बंदूक की आवाज सुनकर दूसरी घाटी के डाकुओं ने गोली चलाना शुरू कर दी। वो समझे शायद पुलिस उनका पीछा कर रही है। बहरहाल हम लोगों के साथ पुलिस का काफी इंतजाम था, मगर खतरा फिर भी खतरा होता है, आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है। यादें फिल्म देखने के बाद लोगों ने सवालों की बौछार कर दी थी कि ये आइडिया आपको कहाँ से आया, कैसे आया वगैरह वगैरह। किस्सा यूं है कि मैं यूरोप एक फिल्म फेस्टिवल में गई थी, बच्चे भी मेरे साथ थे और सुनील उस वक्त मद्रास में शूटिंग कर रहे थे। अचानक एक दिन सुनील का दिल घबराया तो वो बम्बई के लिए रवाना हुए। रास्ते में ये सोचते हुए कि घर पहुंचकर बच्चे ऐसे मिलेंगे, ऐसी ऐसी बातें होंगी, लेकिन जब यहां पहुंचे तो कोई भी नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। तब उन्हें याद आया कि सब लोग तो लंदन गए हैं। बहरहाल जब वो अकेले घर में सोए तो उन्हें ऐसा लगा कि बच्चा पलंग से गिरकर रो रहा है। वो फौरन उठ बैठे, बच्चे को ढूंढने लगे और मुझे जोर जोर से पुकारने लगे, यानी तरह तरह से उन्हें हम लोगों की याद आती रही। वो इस कदर परेशान हुए कि बाकी रात उन्होंने एक होटल में गुजारी और दूसरे ही दिन मुझे टेलीग्राम दिया कि मैं आ रहा हूँ, तुम लोग वहीं ठहरो। और खुद पहुंचकर उन्होंने मुझे जब ये वाकया सुनाया तो मैंने कहा, अब खुद ही सोच लीजिए कि जब बीवी घर छोड़कर कहीं जाती है तो बेचारे शोहर की कैसी बुरी हालत होती है। आपके पहलू में आकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए, दास्ताने गम सुनाकर रो दिए, आपके राजस्थान में फिल्म रेशमा और शेरा की शूटिंग की और वहाँ का जिक्र बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं कि हमने वहाँ शूटिंग की है, बल्कि इसलिए कि वहाँ के लोगों में जो हौसला जो भाईचारा देखा वो हमारे मुल्क के लिए और दुनिया के लिए मिसाल है। आप खुद ही गौर कीजिए, जहाँ पिछले 9 साल से पानी न बरसा हो, जहाँ एक हरी पत्ती की तलाश में आंखें पथरा जाएं, जहाँ के लोग भूख प्यास का सामना करते हुए तपती हुई रेत पर चलकर मीलों दूर से पानी ले आएं, मगर अपने गांव को न छोड़ें, उन्हें अपनी धरती से कितना प्यार होगा,
करीब 2 महीने हम लोग वहाँ रहे। मुश्किल से 10-12 घरों का गांव था। वहाँ के सब लोग हमसे इतना घुल मिल गए थे कि जब हम लोग वहाँ से चलने लगे तो उनकी आंखों में आंसू थे। हम भी अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे और सुनील की तो अजीब ही हालत थी। उन्होंने कहा कि मैं अपना टेंट खुद उखाड़ूंगा। उस वक्त सुनील की आवाज रुंधी हुई थी, दिल भरा हुआ था और शायद वो अपने आप को काबू में रखने के लिए खुद से जंग कर रहे थे। हम लोग शुक्रगुजार हैं उन गांव वालों के जिन्होंने हमें प्यार और मोहब्बत का न खत्म होने वाला खजाना दिया। बेशक जैसलमेर के उस गांव के वो लोग हमारी तहजीब का जीता जागता नमूना हैं। आखिर में अपने सुनने वालों को रेशमा और शेरा का गीत सुनवाती हूँ जिसे बाल कवि बैरागी जी ने लफ्जों का जामा पहनाया है और राजस्थान के उस इलाके की पूरी मंजरकशी की है। संगीतकार हैं जयदेव और जयदेव के लिए ये जरूर कहूंगी कि जयदेव ने कभी दौलत के आगे सर नहीं झुकाया। वो म्यूजिक उतना ही देते हैं जितनी जरूरत होती है, बल्कि जयदेव एक ऐसा कलाकार है जो गीत को संगीत से सजाता है, गीत के लिए संगीत को बेचता नहीं। लीजिए रेशमा और शेरा का ये गीत सुनिए। सरवर ना बावड़ी ना कोई ठंडी छांव ना कोयल ना पतिहरा ऐसा मेरा गांव रे कहां बुझे तन की तपन कहां बुझे तन की तपन ओ सैया सिर मोर चंद्र किरण को छोड़ कर जाए कहाँ चको जाग उठी है सावरे जाग उठी है सावरे मेरी तुम्हारी प्यास रे अंगारे लगने लगे पिया ये थी विशेष रिकॉर्डिंग अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री नरगिस द्वारा प्रस्तुत जयमाला कार्यक्रम की और इसे हम आज आपके लिए लेकर आए थे और उम्मीद है कि आप सभी हमारे साथ भी उतने ही नॉस्टैल्जिक हुए होंगे। श्रोताओं कई बार क्या होता है ना, विविधा कार्यक्रम के लिए अक्सर हमारे श्रोता भी हमें लिखते हैं और हम भी इस बात को महसूस करते हैं कि यादों का तो जैसे कारवां सा हमारे साथ चल पड़ता है। अब आपने नरगिस जी की ये रिकॉर्डिंग सुनवाई, इसके साथ ही मुझे नरगिस जी की एक फिल्म याद आ गई, फिल्म लाजवंती। बहुत सुंदर अभिनय, जी हाँ, और अभिनय भी उतना ही, संगीत एस डी बर्मन साहब का। और लाजवंती फिल्म में नरगिस जी के साथ थे बलराज साहनी, उतने ही महान अभिनेता और उतने ही उत्कृष्ट कलाकार। बलराज साहनी जी की सादगीपूर्ण अभिनय से और नरगिस जी के उतने ही प्रभावशाली अभिनय से सजी थी फिल्म लाजवंती। हम याद कर रहे हैं बलराज साहनी जी को, 1 मई बलराज साहनी साहब का जन्मदिन था। श्रोताओं तो आइए फिल्म लाजवंती का ये बड़ा मीठा सा गीत सुनते हैं, आवाज आशा भोसले जी की है। जी ये गीत हम सुनते हैं और लाजवंती फिल्म को जब याद करते हैं तो पर्दे पे बलराज साहनी साहब भी दिखाई देते हैं जी और आवाज मन्ना दा की भी है उसमें आशा भोसले जी के साथ। जी जी हाँ, तो आइए उस गीत की एक झलक सुनते हैं। ए लो बच्चों आन मिले हम फूल से जैसे मिलती है शबनम तुम हो हमारे हम है तुम्हारे कैसे न मिलते चांद सितारे। माफ हमें मामा जी कहना तुमको पड़ा है नीचे उतरना। अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये तुमने क्या पूछा जो तुमसे झुक कर मिलता है वो है सबसे ऊंचा। तुमसे है मिट्टी का आंगन तारों की फुलवारी
तुमको तो लगती है धरती अंबर से भी प्यारी। हमको इतने प्यार से तुम हो अपने पास बुलाते, बोलो नन्हे मुन्ने बच्चों हम कैसे ना आते। फूल से खिल गए जी सुन रहे थे ना जयंत जी, जी तो ऐसा लग रहा था कितने मीठे गीत और बाल गीत आज तो जैसे फिल्मों से बाल गीत जी हाँ लुप्त से होते जा रहे हैं। अच्छे बाल गीत तो बनने ही बंद हो गए ऐसा लगता है, ना जाने क्यों कहानियों से बच्चे ही गायब हो गए ऐसा हो गया जी ऐसा लगता है। श्रोताओ आज आप सोच रहे होंगे कि हम आपको गीतों की झलक ही क्यों सुनवा रहे हैं, हम भी बड़े पसोपेश में हैं क्योंकि समझ नहीं आ रहा है आपको गीत सुनवाएं या वो रिकॉर्डिंग्स सुनवाएं जो हमारे संग्रहालय की जीनत है। और हमारे पास एक खास रिकॉर्डिंग है मन्ना दा की। मन्ना दा की आवाज सुनने के पहले थोड़ा इंतजार क्योंकि जयंत जी कुछ कहना चाहते हैं आज के प्रोग्राम में। संयोगी ऐसे बन रहे हैं मनीषा जी कि 1 मई को बलराज सहनी साहब का जन्मदिन था, 1 मई को ही मन्ना दे साहब का भी जन्मदिन था। जी हाँ, 1 मई 1919 को उनका जन्म हुआ था। पूर्णचंद्र डे और महामाया डे उनके माता पिता का नाम, और वो एक बहुत ही वर्सटाइल सिंगर के रूप में हम उन्हें जानते हैं पहचानते हैं। जी हाँ। मगर क्लासिकल की ट्रेनिंग उन्होंने ली थी, शास्त्रीय संगीत जो उन्होंने सीखा था उसी के बलबूते पर उनका पूरा करियर इतना चमकदार और शानदार रहा। जी हाँ। और उनके बारे में अपने श्रोताओं को बताएं कि 1942 में उनके करियर की शुरुआत हुई थी, फिल्म तमन्ना के लिए उन्होंने पहला गीत गाया था। बाद में प्रबोध चंद्र डे जी हाँ जिन्हें हम मन्ना दा के नाम से जानते हैं, उन्होंने 1950 में फिल्म मशाल में एक गीत गाया था ऊपर गगन विशाल, जिसे सुनकर सचिन देव बर्मन जी ने न जाने कितने गीत उनसे गवाए। स्वयं सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में उन्होंने इस गीत को गाया था और भी कई सुंदर और कर्णप्रिय गीत मन्ना दा ने हमारी फिल्म इंडस्ट्री को दिए हैं और हम सभी श्रोता आज तक उन गीतों से हम सभी सम्मोहित हैं। तो आप और भी कुछ बताना चाहते हैं जयंत जी? जी, मन्ना डे साहब को पद्मश्री से नवाजा गया था भारत सरकार की तरफ से 1971 में, और 2005 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, और दादा साहेब फाल्के अवार्ड उन्हें दिया गया था 2007 में। एक महान गायक और एक सरल इंसान, मन्ना डे साहब से एक लंबी बातचीत की थी कमल शर्मा जी ने, और ये जो बातचीत है इसकी रिकॉर्डिंग हम आज आपको सुनवा रहे हैं, कुछ हिस्से ही आज हम आपको सुनवा पाएंगे उसके। आइए सुनते हैं हमारे संग्रहालय से ली गई इस रिकॉर्डिंग को। मन्ना डे साहब, संगीत में कैसे इस क्षेत्र में आपने कदम रखा, वो कौन सी घटना थी, किसकी प्रेरणा थी? मुझे शुरू करना पड़ेगा वो 1942 से, जब मैं अपने चाचा स्वर्गीय कृष्णचंद्र डे यानी जो केसी डे के नाम से बहुत मशहूर थे, और चाचा के पास मैंने शिक्षा पाई, और पढ़ाई वढ़ाई खत्म करने के बाद 1942 एंड में मैं बम्बई आया चाचा के साथ। सीएन त्रिवेदी साहब थे यहाँ के प्रोड्यूसर, जिन्होंने एक फिल्म कंपनी बनाई जिसका नाम था लक्ष्मी प्रोडक्शंस, और उसमें चाचा जी म्यूजिक डायरेक्टर बन के आए, मैं उनका असिस्टेंट बन के आया। यहाँ आने के बाद मैं थोड़ा बहुत काम करने लगा चाचा जी के असिस्टेंट बन के, साथ ही साथ दूसरे लोग जिन्होंने मुझे पसंद किया, तो खेमचंद प्रकाश साहब बहुत नामी म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि बेटे तुम मुझे भी असिस्ट करो, तो उनका भी असिस्टेंट बन गया। फिर अनिल विश्वास साहब उन दिनों में बहुत नामी
म्यूजिक डायरेक्टर थे बम्बई के, उन्होंने भी कहा कि भाई तुम्हारे पास अगर टाइम मिले तो कभी कभी मेरे पास आया करो। और मैं चाहता भी ये था कि अनिंदा जैसे आदमी के पास, उसके नजदीक जाना मैं चाहता था। और इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि अनिंदा उनके एक पिक्चर में मुझे गवाया, उनके साथ बैठा करता था और उनके साथ टहलने के लिए निकल जाता था। अनिंदा उर्दू को सिंप्लीफाई करके जो गजलें बनाते थे वो मुझे भी बहुत पसंद था, तो वो मैं सीखना मुझे था। वैसे तो मैं सीख रहा था इनके पास कुछ, अमन अली खान साहब के पास, फिर उसके बाद तुलसीदास शर्मा के पास कुछ दिन सीखा, फिर मैं क्लासिकल सीखता था। हालांकि मैं क्लासिकल एकदम स्ट्रिक्ट क्लासिकल नहीं गाना चाहा कभी भी, क्योंकि मुझे मालूम था कि भाई ये 8-10 घंटा रियाज में कर नहीं पाऊंगा। तो मैं जानना चाह रही साइंस ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, वो राग रागिनी और लय वगैरह, ये मैं सीखा और सीखने लगा। मुझे लगा कि मैं अच्छा सीख रहा था, अच्छा चाचा भी थे और चाचा जी ये मुझे चेक करते थे, मुझ पर ये रखते थे और बोले कि ठीक है तुम सही रास्ते पे तुम जा रहे हो, ठीक है। एक मरतबा ये हमारे बहुत नामी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे शंकर भट्ट और विजय भट्ट, वो आए मेरे चाचा जी से मिलने के लिए और उनसे रिक्वेस्ट की उन्होंने कि भाई हमारे पिक्चर में 2 गाने हैं, आपको गाना पड़ेगा। तो चाचा जी ने कहा कि भाई प्लेबैक तो मैं करता नहीं हूँ, आप कोशिश कीजिए मन्ना से गवा के देखिए। बोले मन्ना किधर है? बोले मन्ना तो बैठे हैं आपके सामने। बोले नहीं नहीं नहीं, ये गाना गाना है ये वाल्मीकि की प्लेबैक, ये तो बच्चा है। तो चाचा जी ने कहा भाई आप इनको सुन लीजिए एक मरतबा। और उन दिनों में मेरी उम्र मुश्किल से कुछ 22-23 साल की। तो दूसरे दिन उन्होंने बुलाया मुझे प्रकाश स्टूडियोज में, मैं गया और म्यूजिक डायरेक्शन कर रहे थे शंकर राव व्यास, तो मुझे गाना सिखाया उन्होंने और मैंने गाया और रिकॉर्ड भी किया गया। तिगम भाई थे साउंड रिकॉर्डिस्ट, उन्होंने रिकॉर्डिंग की और बोला कि भाई बहुत अच्छी आवाज है तुम्हारी, लगता नहीं है कि भाई कोई एकदम बच्चा कोई गा रहा है, तुम गाओगे मेरे गाने। और न जाने क्यों शंकर राव व्यास बहुत अपने लड़के जैसे उन्होंने मुझे ट्रीट किया और मुझे सिखाने लगे। उनके पास सीखा भी मैंने गाना बजाना, और इतना ही नहीं कि हिंदी गाए, हिंदी के साथ मराठी भी गाया। वो रामराज जी पिक्चर में हीरोइन थे शोभना सावंत और हीरो थे प्रेम अदीब साहब। तो उस पिक्चर में गाना गाने के बाद लोग जान गए कि मैं गा सकता हूँ और बुलाने लगे, हमें भी गाना शुरू कर दिया प्लेबैक। दादा आपकी पहली फिल्म हम कौन सी माने जिससे सही मायने में पार्श्व गायन की शुरुआत हुई आपके? रामराज जी से शुरुआत हुई, यानी 1944। बाद में यानी प्लेबैक आर्टिस्ट के हिसाब से नाम मेरा हुआ, लोग पहचानने लगे फ्रॉम मशाल, वो था 1950 में। वो बर्मन साहब बना रहे थे बॉम्बे टॉकीज में मशाल पिक्चर, जो डायरेक्ट कर रहे थे नितिन बोस और अशोक कुमार हीरो थे, उसी में मेरा गाना था ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल बीच में धरती वाह मेरे मालिक तूने किया कमाल। ये प्रदीप जी ने लिखा था, ये गाना बहुत हिट हो गया था और उसके बाद लोग बोल रहे भाई ये बहुत जबरदस्त आवाज है, कौन है लड़का, तो फिर शुरुआत हो गया। ऊपर गगन विशाल, ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल बीच में धरती वाह मेरे मालिक तूने किया कमाल। अरे वाह मेरे मालिक क्या तेरी लीला तूने किया कमाल, तूने किया कमाल। ऊपर गगन विशाल, एक फूंक से रच दिया तूने सूरज अगन का गोला, एक फूंक से रचा चंद्रमा लाखों सितारों का टोला। तूने रच दिया पवन झकोला ये पानी और ये शोला, ये बादल का उड़न खटोला जिसे देख मन मंजूला। सोच सोच हम करें अचंभा, नजर न आता एक दिखंभा, फिर भी ये आकाश खड़ा है हुए करोड़ों ताल मालिक तूने किया कमाल। ऊपर गगन विशाल,
दादा एक सवाल मेरे मन में कई बार आता है। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े शोमैन माने जाते हैं राज कपूर साहब, और राज कपूर साहब के लिए मुकेश जी की आवाज जो थी एक पर्याय बन गई थी, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे रोमांटिक सॉन्ग्स जो हैं जो राज कपूर साहब पे फिल्माए गए हैं उनमें आपकी आवाज है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि राज कपूर कैंप में खासतौर से राज कपूर साहब जैसे निर्देशक के साथ में आपका जुड़ाव कैसे हुआ, जबकि उस समय ये माना जाता था कि वहाँ एक पूरी टीम है, शंकर जयकिशन हो गए, हसरत जयपुरी, शैलेंद्र, मुकेश और राज कपूर साहब। शंकर जयकिशन की शंकर जो थे ना वो हमेशा शंकर जी हमेशा बोला करते थे कि मन्ना जी आपकी आवाज ऐसी है इस आवाज को ठीक तरह से एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं इधर के हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर लोग हैं, मैं चाहता हूं कि आपसे रोमांटिक सॉन्ग्स भी हम गवाएंगे। मुझे याद है मैं शंकर जी से कहा, बोले कभी तो गवा के देखिए ना, अगर होता है ये नहीं मुझसे, बोले ठीक है हम गवाएंगे आपको, आप देखिए ना। तो फिर एक पिक्चर बन रही थी चोरी चोरी, और पिक्चर बना रहे थे वो मद्रास के चेटियर साहब, गाने की रिकॉर्डिंग यही हुई, मीनू कथक साहब ने रिकॉर्डिंग किया। तो जो गाना जब बना ये रात भीगी भीगी, और शंकर जी ने बुलाया मुझे, मैं जाकर रिहर्सल किया, लता भी आई रिहर्सल करके। फिर तीन चार दिन के बाद हम लोग रिकॉर्डिंग थिएटर पे गए और वहाँ हमारे जेटियर साहब मौजूद, उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट सॉन्ग है हमारी पिक्चर की, ये आपने मुकेश को क्यों नहीं बुलाया। तो मेरा तो दिल बैठ गया। तो शंकर जी ने कहा कि भाई सेठ जी ये गाना तो मन्ना जी ही गाएंगे और लता जी ये दोनों मिलकर गाएंगे, अब जरा गाना सुन के उसके बाद बोलिए। तो फिर उन्होंने बैठ गया उधर, और रिहर्सल रिहर्सल करने के बाद जब रिहर्सल यानी वॉयस रिहर्सल के लिए हम लोग माइक्रोफोन के सामने खड़े हुए, तो अंदर से सुन के वो साहब बाहर आए, बोले आप तो बहुत अच्छा गा लेते हैं, मुझसे कहा। तब मैंने बोला सोचा कि भाई अब तो ये बिल्कुल जम के गाना चाहिए ताकि इनके दिल में ऐसे बैठ जाए कि भाई यही है मेरे फ्यूचर प्लेबैक सिंगर। और उन दिनों में मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, रोमांटिक गाने में बहुत कम गाया था तब, मेरे ख्याल से शंकर जी ने शुरू कराया था ये रात भीगी भीगी से, और उसके बाद जो राज साहब ने कहा कि भाई आप गाएंगे मेरे गाने आपसे, आपके जब जितने रोमांटिक गाने आप गाएंगे। ये रात भीगी भीगी ये मस्त बिदाए उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा, ये रात भीगी भीगी ये मस्त बिदाए उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। आपने बहुत सारी भाषाओं में गाने गाए, तो कुछ हम जानना चाहेंगे कि बहुत बड़े कवि हुए हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, और जिनके बेटे ने भी बहुत नाम कमाया अमिताभ बच्चन साहब ने, उनकी मधुशाला जो बहुत ही प्रसिद्ध कृति है उसका संगीतमय जो ये रूपांतरण है, आपको मालूम है वो यहीं रहते थे, ये सातवा रोड पे किराए के मकान पे रहते थे उन दिनों में, अमिताभ बच्चन कोई नहीं था उन दिनों में, वो तो स्ट्रगल कर रहे थे इधर। तो एक दिन जयदेव आया यहाँ, उन्हें बोले बंधु एक खुशखबरी देने के लिए आया हूँ। क्या है? बोले तुम गाओगे ये मधुशाला। तो ये बात चल रही थी, मुझे मालूम पड़ गया था HMB से, कुछ कुछ लोग बोल रहे थे भाई रफी साहब गाएंगे, तो डॉक्टर साहब ने बोला नहीं रफी साहब नहीं गा सकते हैं क्योंकि ये संस्कृताइज्ड ये है वो उच्चारण करने में तो दिक्कत होगी, नहीं नहीं। तो फिर बोला दूसरे एक आर्टिस्ट का नाम लिया गया वो गाएंगे। तो डॉक्टर साहब ने बोला भाई एक कोई गाने वाले को गाना चाहिए ये जो गाते हैं। They chose me to sing.
मैं डॉक्टर साहब के साथ बैठ के मैं समझने की कोशिश किया जो जो फिलॉसफी ऑफ मधुशाला तो उन्होंने रिकॉर्डिंग से पहले कुछ कुछ एक्सप्लेन करके बताया ये वगैरह वगैरह सब, वो मैं ये कहूंगा कि डॉक्टर साहब अगर ना होते तो वो उसके जो रस है ना वो पूरी ये निकलना बहुत मुश्किल हो जाता था। उन्होंने जिस ढंग से एक्सप्लेन किया सब कुछ महान गायक मन्ना डे से कमल शर्मा की ये जो बातचीत हम आपके लिए लेकर आए थे श्रोताओं, उम्मीद है ये बातचीत आपको जरूर अच्छी लगी होगी। इसे हमने विविध भारती के संग्रहालय से आज आपके लिए खास तौर पर उठाया था। जी मनीषा जी, इस इंटरव्यू को सुनने के बाद में फिर एक बार ये बात सिद्ध हो जाती है कि इंसान जितना सरल होता है, जितना सीधा साधा होता है, जितना विनम्र होता है, उतना ही बड़ा होता है। जी हाँ, इसलिए वो बड़े कलाकार। बहुत सही कहा आपने श्रोताओं। इस इंटरव्यू के अंत में मधुशाला की बात हुई। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की अमर कृति मधुशाला को गाकर मन्ना डे ने एक और इतिहास रच दिया था। श्रोताओं, उसी मधुशाला की एक या दो पद, जितना भी वक्त हमारे पास बाकी होगा हम आपको सुनवाते हैं। आइए सुनते हैं मधुशाला मन्नादा की आवाज में। छोटे से जीवन में कितना प्यार करूं पी लूं हाला, छोटे से जीवन में कितना प्यार करूं पी लूं हाला, पाने के ही साथ जगत में आने के ही, आने के ही साथ जगत में कहलाया, जाने वाला स्वागत के ही साथ विदा की, स्वागत के ही साथ विदा की, होती देखी तैयारी बंद लगी होने खुलते ही, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला, मेरी जीवन मधुशाला। गिरती जाती है दिन प्रतिदिन प्रणयिनी प्राणों की हाला, भग्न हुआ जाता दिन प्रतिदिन सुबह गे मेरा तन प्याला, रूठ रहा है, रूठ रहा है मुझसे रूप से दिन दिन यौवन का साकी, सूख रही है दिन दिन सुंदरी, सूख रही है दिन दिन सुंदरी मेरी जीवन मधुशाला, मेरी जीवन मधुशाला। क्या बात है मनीषा जी, ये रचनाएं ऐसी है कि थोड़े ही समय के लिए सही उन्हें सुन करके अभिभूत हुआ जाता है। जी हाँ, और हमारे श्रोता पूरी सुनने को उत्सुक हो गए होंगे। तो श्रोताओं, हम आपको इन्हीं स्मृतियों के साथ आज अकेला छोड़ जाते हैं। आप रहिए इन यादों के साथ, हमें दीजिए इजाजत क्योंकि अगली विविधा की हमें तैयारी करनी है। तो आप सभी से आज के इस अंक को समेटने की इजाजत चाहती है आपकी दोस्त मनीषा जैन और जयंत पात्रिकर का। आप सभी को नमस्कार।